जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु में जो 12 पोस्टों पे ऑफलाइन फॉर्म निकली हुई है उसी के बारे में। तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DSSC भी बोलते हैं, इसमें 12 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, तो इसका हम बात करेंगे। दोस्तों अप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 8 तारीख 10वां महीना यानी कि 8 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। अप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख 10वां महीना यानी कि 28 अक्टूबर 2022 को लास्ट डेट हो जाएगा। टोटल पोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 पोस्ट है। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क में 4 पोस्ट हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर में 3 पोस्ट हैं, MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ में 5 पोस्ट हैं। ये सब मिला के 12 पोस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी, ये इसका एड्रेस है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसका हम लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, A to Z पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों ये रहा पहला पेज अप्लीकेशन फॉर्म का, तो हम इसमें दोस्तों बात करें। सबसे पहले देखिए वो ऊपर लिखा हुआ है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन फॉर ऑफिस यूज ओनली, मतलब 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक में कुछ फिल नहीं करना है, उसके बाद ये सब छोड़ देना है, ये ऑफिस यूज के लिए है। उसके बाद यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आपको जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है, मुझे MTS में अप्लाई करना है, अगर आपको LDC में अप्लाई करना है या सिविलियन मोटर ड्राइवर में अप्लाई करना है, जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सब कैपिटल लेटर में। उसके बाद 2 नंबर में अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, 4 नंबर में एज एज ऑन लास्ट डेट, तो मतलब आप लोग गूगल पे जाइएगा और एज कैलकुलेटर लिख के अपने डेट ऑफ बर्थ से 28 अक्टूबर 2022 को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक पासपोर्ट साइज यहाँ पे रंगीन फोटो चिपका के इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, आधा सिग्नेचर नीचे आधा ऊपर, और डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी 5 नंबर में आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको टिक कर दीजिएगा, और अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी कैटेगरी को टिक करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 6 नंबर में हम बात करें तो आप जहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे फिल कीजिएगा। जैसे हम 10th 2017 में किए हैं, कितना नंबर से पास आउट हुए, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना परसेंट नंबर आया था मुझे, रिमार्क में पास लिख दीजिएगा, फिर 12th में वहीं लिख दीजिएगा। अगर आप ITI किए हैं तो वो लिख दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप यहाँ पे किए हैं वो सब क्वालिफिकेशन भर दीजिएगा। उसके बाद इसके दूसरे नंबर पेज की हम बात करें तो दूसरा नंबर पेज दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पेज में यहाँ पे देखिए 2 नंबर पेज लिखा हुआ है इन केस ऑफ एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं मतलब नौकरी किए हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, जो जॉब कर रहा होगा वो क्यों फॉर्म भरेगा, बहुत कम फिर भी लोग जाते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना भर दीजिएगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड मतलब किस पोस्ट पे आप हैं, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑफिस मतलब अपने ऑफिस का लिख दीजिएगा, प्रेजेंट पे लेवल मतलब कितना पे लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन सा लेवल है, कितना पैसा मिल रहा है, नेम ऑफ द पोस्ट, ये सब दोस्तों उन्हीं के लिए है जो जॉब कर रहे हैं या जॉब से रिटायर हुए हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 9 नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर सबको लिखना है। 10 नंबर में अपना आधार कार्ड का नंबर लिखिएगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद 11 नंबर में अपना कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार का पता लिखना है, वो भी पूरा पिन कोड और सब कुछ साथ में मतलब डिस्ट्रिक्ट पिन कोड स्टेट सब लिखना है। फिर 12 नंबर में अपना पूरा एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे 13 नंबर में ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे प्लेस में आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो लिख देना है, डेट लिख देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद अब बात करें तो एक और पेज है जिसको एडमिट कार्ड, ये देखिए नॉलेजमेंट कार्ड है जिसको हम नॉलेजमेंट कार्ड एडमिशन कार्ड, यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिखा है सीरियल नंबर 1 to 4 टू बी फील्ड बाई द अप्लीकेंट, मतलब जो 1 से लेकर 4 तक है यहीं अप्लीकेंट फील करेंगे, सीरियल नंबर 5 to 6 फील्ड बाई DSSC यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, मतलब ये जहाँ वहाँ ऑफिस में फील होगा 1 से लेकर 4 तक हमको फील्ड करना है, फील करना है तो हम यहाँ पे अपना पोस्ट लिख देंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, ये फील नहीं करना है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आधा सिग्नेचर नीचे आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर, और डेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे उसके नीचे भी है एक कैंडिडेट कॉपी, यहीं एडमिट कार्ड हम लोगों के घर पे आएगा,
उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ करना है, यहाँ पे अपना पोस्ट लिख देना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, बाकी सब छोड़ देना है, या फोटो चिपका के इसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं दो बार पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिग्नेचर करना है जो आधा नीचे और आधा ऊपर, और यहाँ पे डेट लिख देना है। ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया दोस्तों। अब हम इसके साथ बात करें डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो आधार कार्ड की एक जीरोक्स लगाना है, टेंथ की मार्कशीट का एक जीरोक्स लगाना है, टेंथ का सर्टिफिकेट का एक जीरोक्स लगाना है। उसके बाद अगर आप ट्वेल्थ कर लिए हैं, ट्वेल्थ का जानकारी फिल किए हैं, तो ट्वेल्थ का एक जीरोक्स लगाना है, उसका ट्वेल्थ मतलब ट्वेल्थ का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सभी लोगों को लगाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को ही लगाना है, जनरल वाले कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मतलब ये केवल और केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दिए हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वन सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व लाना है जिसपे 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प चिपकाया हुआ रहे, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया एक सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व जिसपे आपका नाम लिखा हो, पिताजी का नाम लिखा हो, विलेज आपका पूरा पता लिखा हो, नाम और पिताजी के मोबाइल नंबर सब पिन कोड के साथ, और उस पर 22 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। आप काउंट कर सकते हैं, ये 2 रुपये का है, 4 देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18, 4, 22 22 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो। और सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स का जो फोटोकॉपी है, इस सभी डॉक्यूमेंट्स याद रहे दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं लगाना है, सब का सब जीरोक्स लगाना है। जीरोक्स के नीचे आपको साइन कर देना है, यानी कि सिग्नेचर करके और डेट लिख देना है। सेल्फ अटेस्टेड हो गया। अब उसके साथ हम बात करें तो एक ऐसा बड़ा वाला इनवॉल्व आप बाजार से परचेस करके लाइएगा, और उस पर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे MTS लिख दिए एंड अपना कैटेगरी, जैसे हम EWS के लिए EWS से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम EWS कैटेगरी लिख दिए हैं। उसी तरह अगर आप जैसे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप अगर LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे LDC लिखाएगा, और UR कैटेगरी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे UR कैटेगरी लिखाएगा। आप जिस भी पोस्ट से जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम लिखिएगा, अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ, और टू में आपको लिखना है द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु। आप लोगों को याद रहे ये एड्रेस, आप एक बार फिर देख लीजिए क्या लिखना है, द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु, और पिन कोड 6431। दोस्तों ये देखिए, ये जो सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व है इस पर 22 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है, अपना पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ लिख के। और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आप एक बार फिर से देख लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करना है। अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, ये कहाँ कहाँ क्या भरना है एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या भरना है। अगर कहीं डाउट आता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये डाउट आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 7 नंबर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो उसका जानकारी दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा अगर कहीं डाउट आता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी डाउट ये है कि हम अपना मतलब हमारे पास अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, सभी बच्चों का यही डाउट है। तो अप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दूंगा, आप उस मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा कि भैया मुझे अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो मैं आपके पास अप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा। तो दोस्तों मेरी ये दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।